हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पलटे खबर कॉम में। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग डूर एंड विंडो पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, कहने का मतलब अगर डूर पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो विंडो अकॉर्डिंगली आप लोग सीख जाइएगा। नहीं, चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन ड्रॉ टू स्क्वेल ऑफ 1:100 एंड देर इज मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। सो बिकॉज 1:100 स्केल कैन नॉट बी टेकन इन द डूर सिस्टम। 1:10 कर दीजिए इसको, कितना 1:9 यानी कि 1:10 कर दो तो 1:10 एलिवेशन मीन्स 1 0 काटो। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस पर। कहने का मतलब विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन डॉट टू स्केल ऑफ 1:10 एलिवेशन सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन ऑफ ए फुल्ली पैनल्ड डबल लीफ। देखो स्टूडेंट्स, लीफ लिखना लिखा तो लिख दिया लियर डबल लीफ शटर और डोर। कहने का मतलब है ये डोर ऐसा है जिसमें आपको डबल लीफ देना है। क्या देना है? डबल लीफ देना है, डबल लीफ देना है। ठीक है, और कहने का मतलब है कि डबल लीफ कहने का मतलब होता है दो शटर, दो शटर आपको देना है। चलिए स्टूडेंट्स, तो दो शटर देना है यानी कि डबल लिफ्ट देना है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है ये चीज़। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है कुछ इस प्रकार से दिया गया है, और आप लोग जानते हैं कि स्पेसिफिकेशन किसी भी क्वेश्चन के लिए क्या महत्व रखता है। क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग डूर एंड विंडो पढ़ने के सिस्टम में अभी नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने बिल्डिंग का प्लान एलिवेशन देखा था एंड फ्रॉम वेयर यू कैन आस्क व्हाट अबाउट दिस वन। राइट स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन द वॉल क्वेश्चन पहला है। पहला क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन क्या है? वाल में अपनी है 1200 × 2000, संभव है क्या? सो 1200 × 200 का दिया हुआ 2000 होना चाहिए यहाँ पर। देयर आर द पेंटिंग मिस्टेक्स इन दिस क्वेश्चन, सो वी विल नॉट डिस्कस द मिसमैच। ऐसा देखिए स्टूडेंट्स, ओपनिंग इन द वाल क्या हो गया 1200 × 2000 का। चौखट का जो साइज दिया हुआ स्टूडेंट 100 × 75 का। देखिए स्टूडेंट्स, चौखट जो होता है क्रॉस सेक्शनल साइज दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि ऐसा जो चौखट होगा वो ये जो लकड़ी होगा, ये जो लकड़ी का ये कटा हुआ पोर्शन जो है ना पूरा, ये जो टिम्बर सेक्शन आपको दिख रहा है, इस टिम्बर सेक्शन का जो साइज है कितना कह रहा है वो 100 × 75 कह रहा है। दिस इज योर 75 एंड दिस इज योर 100। ठीक है, अगर ऐसे बनाते हो तो क्या क्लियर है? दिस इज योर 100 एंड दिस इज योर 75। कहने का मतलब ये है आपका फ्रेम का साइज, क्योंकि वो एक प्रकार का स्क्वायर कट फ्रेम होगा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है। टॉप एंड फ्रिज रेल का साइज दिया हुआ है इतना, लॉक रेल का साइज इतना दे दिया, बॉटम रेल का साइज इससे कम देगा। क्योंकि अभी थोड़ा ही एक लेक्चर पहले आप लोग ने पढ़ा था कि जो लॉक रेल होगा बाबू वो बॉटम रेल और टॉप रेल से बड़ा होगा। तो बताओ 45 mm इसका भी थिकनेस है, 45 mm इसका भी थिकनेस है और 45 mm इसका भी थिकनेस है। सो देयर इज नो एनी चेंज बिटवीन द थिकनेस ऑफ शटर, मतलब कि शटर का जो मोटाई है उसमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन शटर में जो अवेलेबल स्पेस है हॉरिजॉन्टल स्पेस उसमें चेंज है। वो क्या है? वो 200 mm का है लॉक रेल में, बॉटम रेल में 175 mm का है और चौखट में ये टॉप रेल में 100 mm का है। देखिए स्टूडेंट्स, इन तीनों केस में ये जो डाटा है आपको, ये डाटा इन तीनों डाटा में चेंज नहीं मिलेगा आपको। मीन्स आपका जो शटर है वो शटर जो डिजाइन हो रहा है वो यूनिफॉर्म थिकनेस का होता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर ऐसा बात है कि 45 45 45 का लकड़ी की मोटाई जरूर है शटर का। ठीक है, वो सेम रहेगा। उस पर आप लोग दिमाग मत लगाना कि लॉक रेल में ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा, उसमें कम होगा। दिमाग लगाने वाली बात किसमें है? इसमें, इस एंड इसमें। क्लियर? चलिए अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, हैंगिंग एंड मीटिंग स्टाइल के बारे में कह रहा है कि 100 × 45 mm का है। दिस इज द हैंगिंग एंड मीटिंग स्टाइल। मीन्स आपका जो वर्टिकल प्लेन स्ट्रक्चर दिख रहा था उसके बारे में बात कर रहा है। 100 × 45 mm क्या मतलब है इसका? 100 तो इसकी ये डायमेंशन हो जाएगी और 45 mm जिस लकड़ी से बना है उस लकड़ी की मोटाई है। क्लियर है? मतलब कि लकड़ी की मोटाई 45 mm की है। नेक्स्ट बात स्टूडेंट्स, थिकनेस ऑफ पैनल 30 mm एंड टेपर टू 20 mm। पैनल की जो थिकनेस है स्टूडेंट्स 30 mm की है, मतलब जो पैनल हम लोग बनाते थे बॉक्स वाला, ये वाला स्ट्रक्चर, इस वाला स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे बनाते हैं इसको। इस वाला स्ट्रक्चर के में देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ होता है ये
कहता है कि इसमें जो हम लोग प्रोविजन दे रहे हैं उसमें क्या है कि 30 mm की यहाँ पर मोटाई है, 30 mm की मोटाई के बारे में बात कर रहा हूँ, थिकनेस ऑफ दिस वन, नॉट अबाउट, आई एम टेलिंग अबाउट वट एवर द विड्थ एंड द हाइट ऑफ दिस वन, आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट वट विल बी द थिकनेस ऑफ दिस वन एंड द थिकनेस ऑफ दिस शटर और द थिकनेस ऑफ द पैनल इज 30 mm एंड टेपर टू 20 mm, मीन्स हेयर द थिकनेस ऑफ द सिस्टम इज 30 mm एंड द हेयर एंड हेयर विल बी योर 20 mm थिकनेस। एंड देखो स्टूडेंट्स, बात यह है कि मान चलो इसको अगर इसको यहाँ से हम काट के देखें, ऐसे काट दें और उसके बाद जाकर देखें तो पता चलेगा कि अंदर से मान लेते हैं कि ये पैनल जो बना हुआ लकड़ी का वो प्लेन है, तो वहाँ यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर आकर थिकनेस है ना, यहाँ से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 20 जो होगा यहाँ पर, यहाँ के यहाँ आके 30 हो गया, अब ये बात होगी। तो कहने का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से बनने वाला है, क्लियर है? सो दिस इज योर थिकनेस ऑफ द शटर, ठीक है? कहने का मतलब है ये आपको बनने वाला है, बातें समझ में आ रही है क्या? तो थिकनेस ऑफ पैनल के बारे में आपको यह पता चला कि वो 30 mm है और 20 mm तक टेपर कर रहा है, और इस चीज को आप माइनटली समझ सकते हैं, दिस इज योर क्रॉस सेक्शन ऑफ द पैनल एंड यू विल जस्ट सी इन 2 मिनट में आप लोग देखिएगा क्या होता है यह चीज, क्लियर है? चलिए अब देखिए स्टूडेंट्स, थिकनेस ऑफ पैनल 30 mm एंड टेपर टू 20 mm, 3 panels इन ईच शटर, प्रत्येक शटर में 3 panels आपको देना ही देना है, चाहे आप कैसे भी दें तो आपको प्रत्येक शटर में 3 panels देना है। चलिए अब बात है, प्रोवाइड होल्ड फास्ट एंड टावर बोल्ट्स फॉर सुटेबल साइजेस, होल्ड फास्ट प्रोवाइड करना है और टावर बोल्ट एक प्रकार का बोल्ट का टाइप होता है वो प्रोवाइड करना है, आप सुटेबल साइज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड चौखट आर फिक्स्ड टू द वॉल बाय मीन्स ऑफ 300 mm गुना 40 mm गुना 60 mm आयरन होल्ड फास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, 300 गुना 40 गुना 60 mm आयरन होल फास्ट कहने का मतलब ये है कि ये जो डायरेक्शन डायमेंशन आपको दिख रहा है, दिस इज यहाँ से लेकर यहाँ तक, वो आपका 300 का है। इस चीज का जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन होगा वो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन कुछ ना कुछ होगा, एंड दैट इज योर 40 mm गुना 60 mm द शटर, जो आपका ये जो होल्ड फास्ट दिख रहा है उसका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन की बात कर रहा है, क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बात करता है 3 नंबर ऑफ होल्ड फास्ट प्रोवाइड किया जाना है, draw the drawing have been made in the left, अब देख लीजिए students, नीचे देखिए, अब देखिए, अब मान चलिए ये क्वेश्चन है, इसका हमको ड्राइंग बनाना है, अब देखो गाना बजाने का मन कर रहा है, चलो इसको बंद करो ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बाबू, इलेक्ट्रॉनिक हम लोग सब काम करते हैं इस पे। अब देखो स्टूडेंट्स, पहले हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन में बनाना क्या है, बनाना ये है draw the elevation, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन, इन तीनों टर्म को समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एलिवेशन कहने का मतलब जब दरवाजा को आप सामने से देखिएगा तो कैसा दिखेगा वो चीज, सेक्शनल प्लान कहने का मतलब होता है कि काट करके ऊपर से देखिएगा तो कैसे दिखेगा, मतलब काट लीजिए ऊपर चढ़ जाइए और उसके बाद देखिए उस चीज को। और तीसरी बात है सेक्शनल एलिवेशन, मतलब कि काट दीजिए और तब जाके देखिए कि साइड से कैसा दिखेगा कट करके। तो कहने का मतलब इन तीन चीजों को आप लोग समझ पा रहे हैं, एलिवेशन, सेक्शनल प्लान एंड सेक्शनल एलिवेशन, सो यू कैन डिफरेंशिएट अबाउट व्हाट विल बी द एलिवेशन एंड सेक्शनल एलिवेशन, देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, द मीनिंग ऑफ एलिवेशन इज नथिंग बट दिस इज द फ्रंट व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एंड अबाउट द सेक्शनल एलिवेशन यू हैव टू कंसिडर फ्रॉम वेयर द बिल्डिंग इज और द कंपोनेंट ऑफ एनी बिल्डिंग इज कटेड, कहाँ से काटा गया है इस चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा इन द सेक्शनल एलिवेशन। और अगर आपको एलिवेशन के बारे में बात किया जाए तो आप सीधे खड़ा होकर देख सकते हैं इस चीज़ को, राइट? चलिए अब आते हैं बात पर, तो पहला काम होना चाहिए एलिवेशन के साथ, उसके बाद सेक्शनल प्लान और सेक्शनल एलिवेशन के साथ बात करेंगे हम लोग, फिलहाल आते हैं एलिवेशन के साथ। देखिए दिस इज योर एलिवेशन, और मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब आप क्वेश्चन बनाने जाना ये तो क्या करना, मैं अभी इस सिस्टम को पूरा समझा देता हूँ, क्वेश्चन बनाने जाना था ये चीज़ को, है ना, ये चीज़ को क्या करना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन किताब से पहले देखकर बनाना, देखने के बनाने के बाद एक कंटेंट मैं भेज दूंगा, देखने के बाद बनाना, और देखने के बाद फिर से आप एक बार और बना लेना, दो बार में पूरा ड्राइंग समझ में आ जाएगा इसका,
बिकॉज दीज आर द स्मॉल कंपोनेंट ऑफ बिल्डिंग एंड इट रिक्वायर्स मच एंड मच कंसंट्रेशन ऑफ योर माइंड ऑन ईच टॉपिक्स. सो कंसंट्रेट ऑन योर कंसंट्रेट योर माइंड ऑन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डोर एंड यू विल गेट द कंप्लीट कॉन्सेप्ट. You will get the complete concept. So students, I am telling you that अब हम लोगों को ये चीज प्रोवाइड करना. देखिए जो जो ओपनिंग का साइज दिया हुआ था कितना दिया हुआ था बाबू. देखो ओपनिंग का जो साइज दिया हुआ था वो साइज जो दिया हुआ था ओपनिंग का वो दिया हुआ था आपको ये कितना दिया हुआ था बता दो. ये दिया हुआ था देख लेते हैं एक बार कितना दिया हुआ था है ना. साइज ऑफ द डोर ओपनिंग दिया हुआ था कुछ ना कुछ 1200 दिया हुआ था. क्या दिया था 1200 दिया हुआ था ना. चलो हाँ बारह सौ गुना है ना 2000 का साइज दिया हुआ था आपको ओपनिंग का. देखो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ये वाला फिगर हर एक स्टेप पता चल जाएगा इसके बाद इजीली ड्रॉ कर लोगे ठीक है. चलो मैं क्या करता हूँ स्टूडेंट्स 1200 गुना मैं क्या करता हूं कि 1200 गुना 2000 का एक ओपनिंग ड्रॉ करता हूं समथिंग लाइक दिस. ये है इसको मिटाओ 1200 गुना ये 2000 हो जाएगा ये आपका 1200 हो जाएगा. ओपनिंग ड्रॉ कर लिया ओपनिंग ड्रॉ. और देखो पहले काम ये करना है कि पहले लाइट पेंसिल से काम करना है जिससे लाइट पेंसिल से हल्का पेंसिल से उसके बाद चीज़ को हाईलाइट करने में मजा आता है. नहीं आप इस दरवाजे के फिगर बनाने के लिए दो पेंसिल का इस्तेमाल कर सकते हैं 2H एंड HB. 2H विल बी कंसिडर्ड फॉर द सेकेंडरी सिस्टम एंड द HB पेंसिल विल कंसिडर्ड फॉर द प्राइमरी सिस्टम ओके. क्योंकि आपको इस चीज़ में बहुत चीज़ को मिटाने की जरूरत पड़ेगी और अगर आपके पास पेंसिल अलग चीज़ नहीं है देखिए और बहुत सारा प्रोसेस अभी करेंगे मिटाने की जरूरत पड़ेगी फिर देखिएगा समझ में आ जाएगा आपको. बात कर रहे थे हम लोग देखिए ये ओपनिंग है आपका 1200 गुना 2000 का. सो ये ओपनिंग मैं बना लिया कितना 1200 गुना 2000 का क्लियर है. ये कितना है 1200 ये कितना है 2000 ठीक है. हमको स्केल दिया हुआ है 1:100 दिया हुआ था लेकिन हम लोग 1:100 का नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसीलिए नहीं बना सकते हैं कि उसमें गलत क्वेश्चन में लिखा हुआ था. कभी भी दरवाजे का ड्राइंग बनाइएगा आप लोग तो 1:10 का स्केल सेलेक्ट कीजिएगा. कितने का 1:10 का ठीक. चलो अब देखो स्टूडेंट्स ये जो दरवाजा का ओपनिंग है उसमें कुछ ना कुछ शटर प्रोवाइड करना चाहिए ये फ्रेम प्रोवाइड करना चाहिए और फ्रेम का साइज दिया हुआ था आपको 100x75 mm. कितना दिया हुआ था 100x75 दिया हुआ था है ना फ्रेम के साइज के बारे में. तो स्टूडेंट्स देखिए आपका ये जो है इसके बाद आपका दीवार होगा आप लोग समझ पा रहे हैं क्योंकि ओपनिंग के बाद क्या रहता है दीवार रहता है. तो दीवार से जो होगा स्टूडेंट्स हम लोग जो ज़्यादा चौड़ा साइड है ना उसको कनेक्ट करने का प्रयास करें. कहने का मतलब है कि 100x75 कहने का मतलब होता है कुछ ना कुछ ऐसा होगा होगा कि नहीं होगा ऐसा होगा. तो देखिए स्टूडेंट्स ये आपको ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ये आपको कम लग रहा है. दिस इज योर 75 एंड दिस इज योर समथिंग 100. स्टूडेंट्स हम लोग चाहेंगे कि 100 वाला डायमेंशन जो है उसको दीवार से सटा दे तो बताओ तो फ्रंट व्यू में कितना दिखना चाहिए 75. सो आप क्या कीजिए है ना यहाँ से 75 mm हटते हुए तो स्केल पर कितना हो जाएगा बाबू 7.5 mm. स्केल 1:10 का ले रहे हैं 1:10 का तो 75 का स्केल चेंज कितना हो जाएगा 75 में 10 से डिवाइड करो 7.5 mm. तो यहाँ से 7.5 mm हट जाओ और यहाँ से ये लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे. ऐसे आप जानते हो कि दरवाजा में नीचे से हम लोग शटर नहीं लगाते हैं नीचे से हम लोग क्या लगा फ्रेम नहीं लगाते हैं. सो नीचे से हम लोग कोई फ्रेम प्रोविजन नहीं करेंगे. सो दिस इज योर व्हाट दिस इज योर शट ये फ्रेम. इस फ्रेम में आपको मतलब कि ये जो डायमेंशन आपको दिख रहा है ये कितना का है 75 का है. ये देखो ये कितने का है 75 का है क्लियर है. तो मतलब कि ये जो डायमेंशन आपको दिख रहा था दिस इज योर 75 mm डायमेंशन. यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ से देखो यहाँ से ये. चलो अब देखो स्टूडेंट्स ये तो मैंने फ्रेम दे दिया अब मुझे देना है डिफरेंट डिफरेंट रेल्स का साइज. क्या देना है डिफरेंट डिफरेंट रेल्स का साइज. तो आपको टॉप रेल के बारे में कह रहा था टॉप प्लस फ्रिज के बारे में कह रहा था दिस इज द साइज ऑफ इट हैज साइज ऑफ
100 गुना 45 इसके बाद बॉटम रेल के साइज के बारे में कह दिया था, बॉटम रेल के साइज के बारे में कह दिया था आपको कि 175 गुना 45 का है, और आपको जो आपका लॉक रेल था LR इसके बारे में दिया हुआ था 200 गुना 45 का। क्या दिया हुआ था, क्या साइज दिया हुआ था, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस। अब देखो स्टूडेंट्स, इस डिफरेंट डिफरेंट साइज के आधार पर हम लोग काम करना चाहते हैं। काम ये करेंगे कि अब हमको एक पहले ये जो डॉटेड लाइन वाला है वो ड्रॉ करना चाहिए। कहने का मतलब पहले हमको रिबेट ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड यू कैन टेक रिबेट बाई 25 mm। कितना ले सकते हैं आप? 25 mm रिबेट ले सकते हैं। 25 mm रिबेट लेने का मतलब ये है कि आपको मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ अभी, देखिए इस शटर में जो आप फ्रेम में जो कट कर रहे हैं वो आपको डॉटेड लाइन से दिखेगा, एंड दैट विल बी योर, है ना, 25 mm। इसके आउटर मोस्ट फेस से आप लोग उठा लीजिए। 25 mm का स्केल चेंज लेंथ जो होगा 2.5 mm होगा, और आप लोग यहाँ से हटा सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो गैपिंग आपको दिख रहा है, देखो बच्चे कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाऊँ, तो ये जो गैपिंग आपको दिख रहा है, ये गैपिंग जो है वाइट कलर का, दिस इज योर रिबेट गैपिंग। क्या रिबेट गैपिंग, और वो 25 mm का होना चाहिए। कितना mm का होना चाहिए? 25 mm का स्केल चेंज कर लेना, लिख देना दिस इज योर 25 mm रिबेट। स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए कि रिबेट के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया था, लेकिन आप जब क्वेश्चन बनाते हो तो उस केस में अपने दिमाग से डाटा को एज्यूम कर लेना। बातें समझ में आई कि नहीं आई? दिमाग से क्या करना है, डाटा को एज्यूम कर लेना है। अब देखना है स्टूडेंट्स, अब जो है, अब देखिए अब क्या करना है कि जो सिस्टम है उस केस में अब हमको ये बिचला जो शटर देना है, शटर का काम करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स? शटर का काम करना है। तो शटर का काम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि ये जो फेस दिख रहा है ना, और ये जो फेस दिख रहा है, दोनों फेस का हाफ निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? हाफ। क्लियर है? ये जो फेस दिख रहा है और ये जो ब्लैक ब्लैक का फेस दिख रहा है उसका हाफ निकालेंगे। तो बताओ तो ये फेस और ये फेस का हाफ कहीं ना कहीं तो जरूर होगा, एंड इजीली हाफ निकालेगा तो आपको ये एक लाइन आएगा। ये आपको एक लाइन आएगा, ठीक है? अब आपको ये जो लाइन आ रहा है, दिस इज योर दिस लाइन, क्या आ रहा है ये? अब देखिए स्टूडेंट्स, इस लाइन से आपके पास एक काम करने को बच सकता है कि इस लाइन से आप इधर एक डॉटेड लाइन दे सकते हैं, या फिर इस लाइन से इधर एक डॉटेड लाइन दे सकते हैं। इसका मीनिंग ये होगा कि आपका जो दरवाजा खोलने का जो सिस्टम है, ये वाला सिस्टम निर्धारित होगा कि कौन शटर पहले लगेगा और कौन शटर बाद में लगेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं तो ये शटर पहले अंदर आएगा, उसके बाद ये शटर आएगा। अगर बात किया जाए यहाँ से, तो कहने का मतलब ये नहीं, यहाँ से आप देखिएगा तो ये शटर जो है, ये शटर वो पहले लगेगा, उसके बाद इस शटर को लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आया क्या? और खोलने की दिशा में ये शटर पहले खुलेगा, उसके बाद ये शटर खुलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ऐसा सिस्टम है तो क्या हो रहा है कि अगर डॉटेड लाइन इस लाइन से इधर है, लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट वाला शटर पहले लगेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं अगर बना दूँ इसी के अनुसार से, तो 25 mm ले लो। 25 mm का साइज लोगे तो क्या होगा? मैंने बताया था क्या कि ये जो होगा यहाँ पर का रिबेट होगा, हुआ कि नहीं होगा? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ, ये जो सिस्टम दिख रहा है गैपिंग, उस गैपिंग की वैल्यू है 25 mm की, और ये कुछ नहीं आपका रिबेट है। अब देखो बच्चे, ये बात हो गई। अब क्या काम करना है? अब काम ये करना है कि अब इसके बीच में हमको रेल्स प्रोवाइड करने हैं। क्या करने हैं? रेल्स प्रोवाइड करने हैं। तो देखो इस लाइन से इधर भी इधर में हम कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, इस फ्रेम से इधर कुछ ना कुछ डिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। अब बताओ ये डिस्टेंस कितना करें? अब देखो स्टूडेंट्स, क्या करना है कि आपका जो रेल्स है, आपका जो स्टाइल्स है, पहले वर्टिकल स्टाइल्स के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर मैं रेल के बारे में बात करूंगा। तो स्टाइल से कुछ ना कुछ डायमेंशन दिया गया था ना, स्टाइल्स के बारे में डायमेंशन दिया गया था, नहीं
स्टाइल्स के बारे में आपको कहा गया है, डायमेंशन जो दिया गया था स्टाइल्स के बारे में आपको ये कुछ दिया गया था, क्या 25 प्लस ये हो जाएगा 75 नहीं 100। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आपको स्टाइल्स के बारे में डायमेंशन दिया गया था 100 का, क्या दिया गया था कि 100 गुना 45 का होगा स्टाइल्स, है ना। स्टाइल्स हैंगिंग एंड मीटिंग स्टाइल के बारे में बात किया जा रहा है कि 100 गुना 45 एम का है। कहने का मतलब स्टूडेंट्स क्या कि आप इस लाइन से इधर 100 mm चले जाओ, इस लाइन से इधर 100 mm चले जाओ, तो बताओ 100 mm आओगे तो क्या हो जाएगा आपका, 100 mm आओगे तो आपका ये लाइन बनेगा, ये लाइन। इन सारे लाइन से कंस्ट्रक्शन बच्चे आपका है ना 2H पेंसिल है उससे होना चाहिए, और उसके अलावा इधर से भी एक लाइन आ जाओगे, दिस इज योर मीटिंग स्टाइल लाइन, सो दिस विल योर मीटिंग स्टाइल लाइन, राइट। अब बात यह है कि इस लाइन से इधर कितना जाए और इस लाइन से इधर कितना जाए। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हम जाएं किससे, इससे जाएं कि इससे इधर, इससे जाना है इधर। अब बताओ ये कितना था डायमेंशन, ये था आपका समथिंग, वो मीटिंग स्टाइल के बारे में हो 10 mm, यानी कि 100 mm इंटू 45 mm का। उसी प्रकार से इस लाइन से, इस लाइन से इधर आओ 100 इंटू 25 mm। कहने का मतलब है द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द डिफरेंस बिटवीन दिस लाइन विल बी 100 एंड 100। व्हाट 100 एंड 100? आप लोग थोड़ा सा समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है, ये जो चीज़, इस वैल्यू को देखिए, आपको समझने के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो दिया गया है, क्या वो 75 दिया गया है, और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो दिया गया है 75। सो दैट स्टूडेंट्स, आप एक मिस्टेक यहाँ पर मत करना, जो कि मैं इसकी मिस्टेक कर चुका हूँ। क्या करना है स्टूडेंट्स, करना ये है कि जो मैं अभी स्टाइल ले रहा था, देखो स्टूडेंट्स ये जो लाइन है, इस लाइन के बारे में देखो, जैसे कि यहाँ से ये कितना हो रहा बाबू, ओह शिट, हाँ देखो ना, देखिए ये स्टूडेंट्स मैंने लिया क्या, ये लिया मैंने 10, कितना 10, मतलब कि 100 mm लिया। आपको इस डैश लाइन से, इस डैश लाइन से कितना लेना पड़ेगा, इधर इस डैश लाइन से लीजिएगा इधर 100, सपोज कर लीजिए ये लाइन आ गया। कहने का मतलब है कि इस डैश लाइन से इस लाइन की जो दूरी होगी, मींस दिस मच डिस्टेंस विल बी योर 100, दिस इज योर मीटिंग स्टाइल्स। ये क्या है आपका, ये है आपका मीटिंग स्टाइल, ठीक है। अब ये जो मीटिंग स्टाइल है और ये आपका हैंगिंग स्टाइल, दिस इज योर मीटिंग स्टाइल, दो बोथ कंस्ट्रक्शन ऑफ बोथ इज डन। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन सभी चीज़ों को कह रहा हूँ आपके 2H पेंसिल से बनाओ, क्योंकि फिगर कुछ ऐसा मिलने वाला है और ऐसा इस फिगर में ड्रॉ नहीं है। और बात यह है कि इस फिगर तक पहुँचने के लिए आपको इन चीज़ के बारे में है ना, इस सब चीज़ को मिटाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इस सभी प्रोसेस कीजिएगा तब जाके आप इस चीज़ पर पहुँचिएगा। तो स्टूडेंट्स, ड्राइंग आप जब बनाते हो तो ड्राइंग बनाते समय है ना, जो भी सेकेंडरी प्रोसेस करते हो उसको मिटाओ मत, इसलिए नहीं मिटाओ क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि जब आप मिटाओगे तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत इसलिए होगा कि अगर आपका प्रोसेस ठीक है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे ड्राइंग में, अगर आपका प्रोसेस ठीक नहीं है तो फिर मार्क्स नहीं मिलते रहते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस के ऊपर भी मार्क्स मिलता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आई क्या, ये आपका स्टाइल क्या है, आपका मीटिंग स्टाइल जो है कुछ इस प्रकार से, हैंगिंग स्टाइल ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, अब बात ये करना है कि देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, अब करना ये है, स्टाइल प्रोविजन मैंने दे दिया है, अब मुझे टॉप रेल और बॉटम रेल देना है, क्या देना है। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरे पास जो भी वर्टिकल कंस्ट्रक्शन है उसके बारे में चर्चा करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस साइड ये पैनल्स वगैरह, ये पैनल है, ये पैनल है, पहले मैं क्या करता हूँ, टॉप रेल दे सकता हूँ और बॉटम रेल दे सकता हूँ। इन टॉप रेल के साइज का, बॉटम रेल के साइज का, इन दोनों सिस्टम से कोई भी रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये इसके रेफरेंस में दिया गया है ना, टॉप रेल वाला, जब ये इसके रेफरेंस में दिया गया है तो आराम से उसको हम लोग उसके रेफरेंस में ले सकते हैं,
सो दैट हम लोग क्या करते हैं, टॉप रेल का साइज यहाँ से ले लेते हैं, बॉटम रेल का साइज यहाँ से ले लेते हैं, क्लियर है। तो बताओ ऊपर से नीचे कितना आना पड़ेगा, 100 आना पड़ेगा। सो हिमाचल चलिए ऊपर से नीचे 100, तो यहाँ पहुँच गए। सो दोनों स्ट्रक्चर में सेम कंडीशन, 100 आए तो यहाँ पहुँच गए। अब देखिए नीचे में क्या है, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से नीचे से कहने का मतलब है बॉटम रेल हमको नीचे से देना है। दिस इज योर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दिस इज योर 175। अब देखिए स्टूडेंट्स 175, 100, ये 100 हो गया, ये 175 हो गया। अब इसके बीच में जो जगह बच रही है उसमें हमको देना है लॉक रेल, फ्रिज रेल, और इस पैनल के साइज के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। असल में असली है ना, असली जो ड्राफ्टिंग है यहीं पर होती है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपको इसके बीच में तीन पैनल प्रोवाइड करना है, चूंकि आपको क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि साइज ऑफ नंबर ऑफ पैनल इज 3, तीन पैनल इस शटर क्वेश्चन में आपको दे दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, तीन को पैनल प्रोवाइड करना है, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बॉटम रेल और टॉप रेल का जो खत्म सिस्टम हो रहा है उसके बीच में तीनों पैनल को देना पड़ेगा। पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि आपको बॉटम रेल और टॉप रेल के बीच में जगह कितना बच रहा है, क्या देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो ओपनिंग था, ओपनिंग के साइज में से अगर हम लोग ये घटा दें तो बताओ तो ये कितना होगा, 75 mm का। आपको 2000 का ओपनिंग था, 2000 की ओपनिंग में से 75 mm का ये फ्रेम आप घटा सकते हैं। उसके अलावा क्या घटा सकते हैं स्टूडेंट्स, ये डिस्टेंस, दिस इज योर 100, दिस इज योर 175, दिस इज योर, इसमें से क्या क्या घटेगा, 100 घटेगा, 175 घटेगा, तब जाके क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, ये इस लाइन से इस लाइन के बीच का वर्टिकल स्पेसिंग। तो बता दे स्टूडेंट्स कितना मिल रहा है, देखो घटा के 75 75, 150 300 150 250, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 75 75 150, हाँ 200 कितना हो जाएगा, 350। तो 2000 में से जब 350 घटाओगे, 2000 में से जब 350 घटाओगे तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 2000 में 350 घटाओगे तो मिलेगा 1650, क्या मिलेगा 1650। मीन्स अवेलेबल हाइट आपके बीच में क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो क्या है 1650। अब 1650 के बारे में हमको सोचना है, क्योंकि 1650 में हमको क्या क्या देना है, फ्रिज रेल देना है और इसके अलावा एक लॉक रेल देना है। दोनों का साइज फिक्स है, फ्रिज रेल का साइज भी फिक्स है और लॉक रेल का साइज भी फिक्स है। सो 1650 का जो डायमेंशन बचा है आपको, 1650 के डायमेंशन में से अगर ये डायमेंशन और ये डायमेंशन माइनस कर लीजिएगा तो बस क्या जाएगा, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का, इस बॉक्स का है ना, एक सम डायमेंशन बचेगा, पूरा जोड़ के जो डायमेंशन बच रहा है वो बचेगा नहीं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1650 में से 1650 का जो ये जो डाटा है, इस डाटा में से हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं लॉक रेल का साइज और फ्रिज रेल का साइज। सो लॉक रेल 200 और फ्रिज रेल 100, सो 200 + 100 = 300, यानी कि इसमें बचेगा कितना आपको, 1350। क्या मतलब कि इसमें से, यानी कि अगर 1650 में से आप 200 या 100 यानी कि 300 घटाइएगा तो कितना बच जाएगा आपका, 1350 बच जाएगा। अब स्टूडेंट्स 1350 में आपको क्या करना है, पैनल प्रोवाइड करना है। मींस क्या, आपको 1350 का जो साइज बचा हुआ है, 1350 का साइज, इसमें आपको क्या करना है, पैनल्स देना है। अब कितने पैनल देना है स्टूडेंट्स, तीन पैनल देने हैं। तो बताओ 1350 साइज अवेलेबल है, उसमें तीन पैनल अगर देना है तो तीन पैनल की जो डायमेंशन क्या होगी, तो 1350/3 होगा कि नहीं होगा, 1350/3, तो 1350/3 करेंगे तो प्रत्येक पैनल का डायमेंशन आपको मिल जाएगा। तो माइनस डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 450, कितना हो जाएगा, 450। कहने का मतलब ये हुआ कि 450 प्रत्येक पैनल, ये बॉक्स जो है, इस बॉक्स का साइज हुआ कितना, 450 का, एक बॉक्स का। अगर तीनों बॉक्स हमको देना है, तीनों बॉक्स इक्वल इक्वल साइज का प्रोवाइड करेंगे तो कितना देना पड़ेगा हमको, 450 तीनों को करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स 450 जो करना है, अब उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, ये बॉक्स नीचे वाला बॉक्स है। अगर मान चलिए आप नीचे वाला बॉक्स 450 mm का दे दीजिएगा और पहले से 175 का ये था, तो 450 + 175 = 575 मतलब कि हाफ मीटर के हाइट पर आपको है ना उसमें की लगाना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक अगर बात किया जाए तो आपको ये लॉक जो सिस्टम है, लॉकिंग सिस्टम, मतलब कि 50 सेंटीमीटर के हाइट पर रहेगा। कितना हाइट पर रहेगा, 50 सेंटीमीटर के हाइट पर रहेगा। तो मतलब ये पता ये चला कि दरवाजे में जो हम लोग की लगा रहे हैं वो हमको बैठ के लगाना पड़ेगा,
तो दिक्कत हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसीलिए हम लोग जो नीचे वाला पैनल है उसका साइज बड़ा करके रखते हैं। तो बताइए बड़ा करके साइज रखेंगे, मान चलिए 1350 का है तो उसके अनुसार से तीनों को अरेंज कर दे सकते हैं हम लोग। तो अरेंज करने के लिए ये पैनल जो है स्टूडेंट्स 12 होना चाहिए, बिजला वाला पैनल को हम लोग छोटा रखेंगे तो चलेगा। ये पैनल है ना, ये पैनल या तो इसके बराबर हो सकता है या फिर इससे छोटा होगा, और क्या होगा, कहने का मतलब है। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम हम लोग डिजाइन करने जा रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये पैनल का साइज जो है बराबर रख दें, इसका साइज छोटा जितना बच जाएगा उतना रह जाएगा। सपोज कर लीजिए कि इसका साइज मैंने 500 रख लिया, तो इसका साइज कितना रखना पड़ेगा, मान लीजिए इसका साइज 500, इसका साइज 500, तो 500 1000, और 1000 के बाद जो बचा हुआ जो उसका साइज हो जाएगा। तो 1350 में 500 कर देंगे तो 1000 पूर गया और एक बचा जाएगा 350। मीन्स यू हैव टू प्रोवाइड द पैनल्स ऑफ साइजेस 500 है ना एंड 350 क्या। सो अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास पैनल का साइज मिल गया। स्टूडेंट्स ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तभी जाकर आप पैनल का साइज प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग ये समझ में आ गया है आप लोगों को, मैं आपसे इसको मिटा रहे हैं ठीक है। बात करते हैं पैनल के साइज पर, नहीं तो ये बात हम लोग कर रहे थे। तो ये स्टूडेंट्स समझ में आ गया 1650 कैसे आया था। तो मेरे पास मिला पैनल का साइज 500 500 350 ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो पैनल हमको देना है उसमें ये आपका बॉटम रेल खत्म होता है, बॉटम रेल के बाद पहला पैनल होगा कि नहीं होगा। तो पहला पैनल का हाइट मुझे 500 है, तो मतलब यहाँ से 500 पर चल जाओ यहाँ, तो मतलब कि इसमें भी यहाँ कहना मतलब पहला पैनल इसमें सेट हो गया। पहला पैनल के बाद क्या आएगा, लॉक रेल आएगा। लॉक रेल का है कितना है 200 का, तो यहाँ से 200 ऊपर चला जाओ, इसमें आप लगा दो लॉक, दिस इज योर लॉक रेल LR, दिस इज योर पैनल फर्स्ट पैनल 500 का। अब यहाँ से लॉक रेल के बाद क्या होगा फ्रिज, ये लॉक रेल के बाद क्या होगा दूसरा पैनल जिसका साइज मैंने कितना लिया था 350। सो यहाँ से 350 ऊपर चले जाओ, 350 ऊपर चले गए, मतलब ये दोनों जो पैनल बनेगा एक ही साइज का बनेगा 350। अब 350 हो गया। अब बात किया जाए इसके बाद क्या होगा, मतलब दूसरा पैनल के बाद क्या होगा फ्रिज रेल जिसका डायमेंशन 100 दिया हुआ था 100। अब स्टूडेंट्स ये बीच में जो बच गया, ये बीच में जब बच गया वो तीसरा पैनल हो जाएगा, दिस इज योर 500 वाला साइज वाला पैनल, दिस इज योर 350 साइज वाला पैनल एंड दिस इज योर ऑल्सो 500 साइज वाला पैनल। क्लियर है। तो पैनल का साइज आपको पता चला गया, और ये है आपका लॉक रेल, ये है आपका फ्रिज रेल, ये है आपका बॉटम रेल, और ये है आपका टॉप रेल। कहने का मतलब ये हो गया। अब आपके पास जो स्पेस बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, ये बचा हुआ है, जिसमें आपको पैनल बनाना है, उसके बाद आपका ड्राइंग क्लियर रहेगा है ना। अब देखिए स्टूडेंट्स पैनल बनाना है, पैनल बनाने के लिए मेरे पास क्या है जगह जो है ये है। सपोज कर लीजिए मैं 500 वाला जो गैपिंग है उसमें पैनल बनाना चाहता हूँ, तो सपोज कर लीजिए मैं 500 वाला गैपिंग जो है ऐसा ले लिया, ये क्या है 500। तो स्टूडेंट्स ये 500 वाला जो गैपिंग है इसमें आपको क्या बनाना है, पैनल बनाना है ना। तो क्या करना है आप लोग, आसान सी बात है क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो 500 का जो गैपिंग बन रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में बन रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन कितना बन रहा है 500 का, क्या बन रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में 500 का। ये देखते हैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में कितना बच रहा है, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन में देखिएगा स्टूडेंट्स तो क्या बचेगा, देखिए तो 1200 कंप्लीट का था, 1200 के बाद क्या कर दिया मैंने इस चीज का आधा कर दिया, सो दैट यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट द साइजेस अबाउट, इसके बीच का हमको डायमेंशन निकालना है। अगर डायमेंशन नहीं भी निकालेंगे तो उस विशेष केस में हम लोग पैनल बना सकते हैं। चलिए डायमेंशन निकालने चले तो यहाँ से भी देख सकते हैं ये डायमेंशन कितने का हो जाएगा, 75 + 25 + 75 व्हाट विल बी 75 125 कितना हो जाएगा 175 और 150 कितना हो जाएगा बता दो, 175 हो गया, और ये 75 कितना हो जाएगा फिर 150 175 175 34 35 350 एंड 500। ये साइज भी आपको स्टूडेंट्स कितने बच रहे हैं 500 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं स्टूडेंट्स
500 बच रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 500 बचेंगे, ऐसा पूरा नहीं बचेगा, क्योंकि 1200 का ओपनिंग का साइज है। यहाँ से यहाँ तक कितना साइज था? 1200 था। और 1200 के साइज में से आपको है ना निकालना है कि ये साइज कितना है, तो वो निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ा, 1200 का था 600, और 600 के बीच में हम लोग इसे प्रोवाइड कर रहे हैं, तो 600 के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा बाबू बताओ? तो यहाँ से यहाँ तक 600 हो जाएगा, और ये जो साइज, ये जो डायमेंशन है, ये यहाँ से 600 है, तो ये 600 में से 75 काट दोगे तो 475 बचेगा, 525 बचेगा, 525 में से 100 इधर 100 इधर, तो कितना हो जाएगा, 100 इधर इधर 100 इधर, तो 325 बचेगा। कहने का मतलब 325 एम ब्रिवेट में चला गया, तो ये डायमेंशन जो बचेगा स्टूडेंट्स आपको 300 एम बचेगा, ये डायमेंशन कितना बच रहा है आपको स्टूडेंट्स 300। आपको इस 300 में आपको पैनल बनाना है, देख लीजिए 300 में पैनल बनाना है आपको। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट्स, पैनल बनाने के लिए हम लोग करते क्या हैं, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, और इसके अलावा कोई आदमी इसके अलग मेथड से भी पैनल बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। चलिए तो अब हम काम करते हैं, क्या इसमें हमको क्या बनाना है, पैनल। तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग इसको इसमें पैनल बनाने के लिए क्या करते हैं कि यहाँ से है ना, यहाँ से जो डायमेंशन हमको बच रहा है, देखिए स्टूडेंट्स हमको किसी न किसी प्रकार से ऐसा बॉक्स बनाना है, ठीक है। और अगर ऐसा बॉक्स बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो मेजरमेंट तरीका है वो आप क्या कर लीजिए स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा देखिए। देखिए तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो चीज़ है इस चीज़ में हमको बनाना है क्या, पैनल। तो पैनल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच का पॉइंट निकालेंगे पहले। तो सपोज कर लीजिए इसके बीच का पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का पॉइंट क्या है, ये है मान लेते हैं, इसका 300 एम का विड्थ है, कितने एम का विड्थ है बाबू, 300 एम का विड्थ है, तो 300 का हाफ कितना होगा, 150 होगा। तो 150 का 150 का जो डायमेंशन है, उस 150 का जो डायमेंशन है उसको आधा करोगे कितना हो जाएगा, 75 75, तो यहाँ से 75 इधर चले जाओ और 75 इधर चले जाओ, ठीक है। क्या कर दिए, 75 इधर चले गए, 75 इधर चले गए, बचा गया इधर ही 75 बचना चाहिए, इधर ही 75 बचना चाहिए, ठीक है, इधर भी 75 बचना चाहिए और इधर भी 75 बचना चाहिए, बात समझ में आ रही है। अब देखो स्टूडेंट्स क्या करना है कि ये जो 75 बच रहा है, ये जो 75 बच रहा है, उस केस में इसको क्या करना है कि यहां से आप 25 एम हटके एक लाइन दे सकते हो, कितना एम हटके, 25 एम हटके। तो बताओ 25 एम हटके एक लाइन देंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 सेंटीमीटर पर एक लाइन होगा ऐसा, सॉरी चारों साइड से 25 एम हट के एक लाइन दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बच गया स्टूडेंट्स, देखिए अब ये 25 एम के लाइन दे दीजिएगा यहां से, 25 एम के लाइन दे दीजिएगा यहां से, तो हो जाएगा क्या, अब आपका जो सिस्टम है उसमें से इसको देखिए कि 25 एम इधर से दे दिया, 25 एम दे दिया, बस कितना रहा है, 50 एम बच रहा है, तो ये 75 बच रहा था इधर से, 75 इधर बच रहा था इधर से, तो 75 75 150, 50 हटा दो तो 100 बचेगा, तो मतलब कि 50 एम इधर से चले आओगे इधर, तो 50 एम इधर से चला होगा इधर, तो आपका एक सिस्टम बनने वाला है। कहने का मतलब है कि ये जो सिस्टम होगा ये 75 एम का बना सकते हो, ये 50 एम का बना सकते हो, और 50 एम से लाइन ऐसे दो, ऐसे दो, अब ये देखो ये 50 है तो ऊपर वाला भी 50 होना चाहिए, यहाँ से 50, ठीक है। अब ये हो गया, अब क्या करो स्टूडेंट्स, इसको और इसको मिला दो, दिस इज योर पैनल कंस्ट्रक्शन, क्या आपका पैनल कंस्ट्रक्शन ये, ठीक है। आपका मैथमेटिक्स जो होगा वो एजिली डील करेगा कि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या कंस्ट्रक्शन होने वाला है, फिलहाल आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात है ये जो पैनल बन गया है, इस पैनल को लाकर के इस ओपनिंग में सेट कर देना है, तो बताओ क्या करना है, यानी कि इधर से इधर 25 एम का लाइन देना पड़ेगा एक ऐसे, 2.5 एम उधर से भी, 2.5 एम इधर से भी, चूंकि 25 का स्केल चेंज 2.5 एम होता है। अब यहाँ से 50 एम हट के एक लाइन देना है ना, और इस लाइन को इससे 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 कनेक्ट कर देना है, ये हो गया आपका पैनल।
तो स्टूडेंट्स आराम से आप लोगों ने इस पैनल को बनाना सीखा। जैसे उस चीज़ को हम लोग यहाँ सेट कर देते हैं, तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये पैनल बन जाएगा, सिमिलरली ये पैनल बन जाएगा। सो आपका जो सेक्शनल एलिवेशन है उसमें जो चीज़ है बच क्या गया है, ये नहीं मतलब कि होल्ड फास्ट बच गया है। तो आप देखो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये जो 2000 का है तो होल्ड फास्ट तीन को देना है, तो अब 2000 को तीन पार्ट में बांटोगे तो कितना हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स इसके ऊपर है ना ये लिंटल भी देना रहता है, तो लिंटल क्या जो है यहाँ से जो हॉर्न निकला रहता है वो कितना होगा, 150 का होगा। तो 150 निकाल के 150 mm थिकनेस का 150 निकाल के, यानी कि ये भी 150 और ये भी 150, दोनों 150 निकाल करके हम लोग क्या कर देते हैं, एक लिंटेल दे देते हैं। लिंटेल LT बोले लिंटेल, कहने का मतलब ये हो गया आपका लिंटेल हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें आपको होल्ड फास्ट देना है, तो 3 है ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 होल्ड फास्ट देना है। तो निकालो डिवाइड करो, तो 2000 में 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 600 आएगा, 600 समथिंग आएगा कि नहीं आएगा। अब वहाँ से मतलब कि यहाँ से पहला दे दो 600 पर, दूसरा 600 पर, है ना, तो तीन पार्ट में हो जाएगा ना, क्योंकि तीन पैनल देना है। तो एक दो यहाँ पर सस्टेनेबल हाइट पर भी दे सकते हो, नहीं यहाँ से क्या कर दो, एक नीचे दे दो, एक यहाँ दे दो और एक बीच में दे दो, ऐसा करो, इसको और इसको एलिमिनेट कर देना, इसको एलिमिनेट कर देना। देना कैसे है, जो यहाँ से 3 cm इधर आना चाहिए। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ से ऐसे लेना है, क्या है देखो स्टूडेंट्स ऐसा कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ से ऐसे है ना, ऐसे हो गया, यहाँ थोड़ा सा ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ये हो गया होल्ड फास्ट, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको ये जो एलिवेशन है, जो फ्रंट एलिवेशन जो होता है विंडो का या दरवाजे का, वो आपको क्लियर है। अगले लेक्चर में आप लोग पढ़िएगा है ना सेक्शनल प्लान, उसके बाद पढ़िएगा सेक्शनल एलिवेशन, और ये आपका हो जाएगा डोर एंड विंडो सिस्टम खत्म। तो फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले लेक्चर्स में, धन्यवाद।